जी फ्रेंड्स, अभी शिबा इनू बहुत बड़ा इवेंट लेकर आ रहा है। लगातार हमेशा शिबा के इवेंट्स आते रहते हैं, लेकिन इस बार आया है शिबा इंटर्निटी टूर्नामेंट, यानी कि इसका जो गेमिंग कंपटीशन है वो होने जा रहा है, जो कि होगा इस वीकेंड के दौरान, यानी कि 2 सितंबर, जो कि कल के दिन है। तो इस बेयर मार्केट में भी शिबा इनू की नई से नई अपडेट्स आ रही हैं, लगातार बुलिश चल रहा है अभी भी शिबा इनू। एक्चुअल में यहाँ मेरे पास 4 से 5 बड़ी अपडेट्स है शिबा इनू को लेकर, जो एक श्योरिटी देता है हमें कि शिबा इनू का प्राइस ऊपर जाने वाला है। और हाँ, एक अच्छी अपडेट ये भी आई है कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को लीगल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि चाइना में क्रिप्टो की अडॉप्शन बढ़ने वाली है। एंड इसका डायरेक्ट लिंक हम शिबा इनू से भी मान सकते हैं कि शिबा इनू के प्राइसेस में भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। वीडियोस डालने से पहले मैं वही अपडेट्स हमेशा सबसे पहले देता हूं। तो आप यहां पे देखोगे कि शिबा की अगर हम बात करें तो शिबा इंटर्निटी के बारे में अभी कोई खास अपडेट्स नहीं आई थी बहुत लंबे समय से, लेकिन आपने देखा कि अभी शिबेरियम लॉन्च हुआ, उसी के साथ साथ लगातार आपने देखा कि इवेंट्स चलते ही आ रहे थे। अभी एक अल्टीमेट गेमिंग शोडाउन शुरू होने वाला है, जो कि शिबा इटर्निटी टूर्नामेंट के नाम से, और ये 2 सितंबर यानी कि कल के दिन है। तो ये आज तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है शिबा इनू का, जिसमें सभी गेमर्स को बुलाया गया है। और इसी के साथ साथ जो वॉच क्लोजली ओलो के नाम से ट्विटर हैंडल है, वो शिबा इंटर्निटी का जो है रीकैप करने वाले हैं 3 सितंबर को, यानी कि संडे के दिन भी ये कंटिन्यूस रहने वाला है। तो कल के दिन तो कंपटीशन है ही, लेकिन ये कंपटीशंस हमेशा लगातार चलते रहेंगे। आप सामने वीडियो भी देख सकते हैं, मैं इज़राइल के द्वारा डाली गई समर ऑफ शिबेरियम। तो इसी इवेंट में एक रखा गया हार्ड कैश, जो है $600 का रिवॉर्ड रखा गया, इसी के साथ $300 रनर अप के लिए, और 3rd place के लिए $100 रखा गया है। तो मैजिक शिबा स्टार्टर के नाम से एक स्पॉन्सर है जो इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक यहाँ पे चीज़ क्लियर करी है कि ये एक सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक एपिक सागा है जो कंटिन्यूस चलने वाला है। इसी तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री में अभी शिबा इनू लगातार काम करता रहेगा। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, ये लिंक्स मैंने ढूंढ लिए यहाँ पे कि आर्कलस एक कंपनी है जो कि नैसडेक के द्वारा डेवलप करी गई है, और इस कंपनी ने शिबा इनू को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसा मान लो कि नैसडेक या फिर इनडायरेक्टली नैसडेक ने अभी शिबा इनू के पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी शुरू करी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितने बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो आर्कलस एक्चुअली पार्टनर्ड है विद बिटपे, और बिटपे के ऊपर कुछ ही लिमिटेड टोकन्स लिए जाते हैं, करेंसीज ली जाती हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, और अभी कौन सी है, शिव टोकन, यानी कि शिव टोकन को भी लिया जाएगा। और ऐसी कोई पॉपुलर करेंसीज कुछ ही करेंसीज हैं जो कि एक्सेप्ट करी जाती हैं, जैसे कि इथेरियम या रिपल है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट है अभी तक की, कि एक बड़ी से बड़ी कंपनी ने भी शिबा इनू को एक्सेप्ट किया है एज ए पेमेंट मेथड। अब इट पे यूज़ करने वाला, यानी कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, शिबा इनू को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे कई सारी कंपनीज जैसे कि न्यू वैगन, नॉर्थ स्टॉम, गेम स्टॉप, AMC, मेनूफी, तो कई जगह पे इसको एज ए पेमेंट मेथड यूज़ किया जाएगा। तो ये हम सभी होल्डर्स के लिए, शिबा आर्मी के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपडेट है। अब अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली आप देख सकते हैं कि शिबा इनू अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहे हैं। जब भी कोई भी कॉइन ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट मूव यही होता है, ओवरसोल्ड के बाद फिर बाइंग आनी शुरू होती है, यानी कि प्राइस इतने ज़्यादा नीचे चले जाते हैं जो एक बेस्ट प्राइस बन जाता है बाइंग करने के लिए। और यहाँ पे बाइंग आएगी और डेफिनेटली शिब की वैल्यू ऊपर बढ़ने वाली है। हालांकि शिबा इनू के कई सारे अच्छे इवेंट्स भी आए हैं, इस दौरान अगर BTC नीचे ना जाता तो शिब डेफिनेटली हमें 1 पैसे तक भी मिल सकता था। और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि शिबेरियम को रीलॉन्च करना पड़ा जो कि सबसे बड़ा इवेंट था। अभी शिबेरियम बहुत ही जल्द और भी ज़्यादा काम करने वाला है, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाने वाला है। ये धीरे धीरे काम वैसे तो ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर और भी अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी। शिबेरियम के लॉन्च के दौरान हमने अगस्त महीने के अंदर देखा कि करीब 5 बिलियन के आसपास शिबा इनूस को बर्न किया गया, यानी कि इसका जो बर्न प्रोसेस है वो लगातार कंटिन्यूस रहा, खासकर जैसे यहाँ पे अपडेट आई कि शिबेरियम लॉन्च होने वाला है। अब हमने 1st-2nd week की वेट करनी थी अगस्त की, लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी सितंबर आ चुके हैं। तो शिब ने अपनी तरफ से एक अच्छा प्रॉफिट दिया भी है इसी दौरान, लेकिन अभी सितंबर महीने के अंदर कौन सा कॉइन हमें अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, या फिर कुछ अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डालने वाला हूँ। वॉल्फ्रेड ऑफिशियल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम के ऊपर है, सर्च करके ज्वाइन आप कर सकते हैं। एंड मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, सबसे अच्छे अपडेट हमारे लिए ये है कि चाइना के कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया क्रिप्टो को एज ए लीगल प्रॉपर्टी। तो अब चाइना में लोग क्या कि खुल के क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने वाले, जिससे
हमें BTC बहुत ऊपर जाता हुआ देखेगा और सारी क्रिप्टो करेंसीज अच्छी हमें वैल्यू देने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। किसी और टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।